के निकली है, यह चर्च की बात है। बहुत लोग इससे प्रसन्न भी हैं ग्रामीण। किस चीज़ की खुदाई चल रही थी जिसमें मूर्ति? वहाँ जो है सबदाह गृह का निर्माण होना है, वहाँ मिट्टी का कमी था, इसलिए मिट्टी उसमें भराई हो रहा था, उसी के लिए मिट्टी वहाँ से काटा जा रहा था और उसी के दौरान। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका फर्स्ट लुक बिहार। मैं आपके साथ विवेक हूं। मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड से खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्ति निकली है। लोगों का मानना है कि यह मूर्ति सूर्य देव का है और लोग जब से मूर्ति निकली है तो लोग इनका पूजा पाठ कर रहे हैं, धूमधाम से पूजा पाठ कर रहे हैं। अगर बता दें कि मुसहरी प्रखंड में खुदाई का काम चल रहा था, इसी दौरान जब ढेर सारी खुदाई हुई तो खुदाई के दौरान जेसीबी से मूर्ति निकला, जिसके बाद लोगों ने उसकी काफ़ी पूजा पाठ की है। वही उनके पूर्व मुखिया ने बताया कि इस मूर्ति को लेकर म्यूजियम मुजफ्फरपुर के म्यूजियम में रख दिया जाएगा। इसके DM को भी जानकारी दी है पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ कह रहा है आइए पहले सुनिए। जानकारी हुई जब पंचायत का स्कीम का कार्य चल रहा था, चार दीवारी और सप्ताह गृह निर्माण के लिए मिट्टी भराई चल रहा था, उसी मिट्टी खुदाई के दौरान कल 3 बजे यह मूर्ति निकली थी और वहाँ से जानकारी मिली तो हम लोगों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी है। प्रशासन के द्वारा बोला गया कि इसको सुरक्षित अभी रखिए और उस समय से जब लोगों को जानकारी हुई है उस समय से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, यही जानकारी। कितना प्राचीन हो सकता है अभी तो बहुत, मतलब इस तरह की मूर्ति तो हम लोग के इधर नहीं मिलता है। हम लोग तो देखते हैं कि दक्षिण भारत में इस तरह का मूर्ति प्रायः पाया जाता है, लेकिन ये पहली बार हम लोग देखे हैं कि यहाँ इस तरह की मूर्ति निकली है। यह चर्च की बात है, बहुत लोग इससे प्रसन्न भी हैं ग्रामीण। किस चीज़ की खुदाई चल रही थी जिसमें मूर्ति? वहाँ जो है सबदाह गृह का निर्माण होना है, वहाँ मिट्टी का कमी था, इसलिए मिट्टी उसमें भराई हो रहा था, उसी के लिए मिट्टी वहाँ से काटा जा रहा था और उसी के दौरान यह मूर्ति निकली है। किस भगवान की बताई जा रही है? अब तो कोई विष्णु भगवान बोल रहे हैं, कोई सूर्य भगवान बोल रहे हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस भगवान की मूर्ति है। मिट्टी लगा हुआ था पूरा काला। पहले भी कभी उस तालाब की उड़ाई हुई थी? नहीं, कभी नहीं हुई थी, पहले कभी नहीं हुई थी। उसमें कुम्हार लोग उससे मिट्टी निकालते थे कुआं खोद करके, लेकिन कभी इस तरह का कोई अति नहीं हुआ था। काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में, कल से भरी तादाद में लोग आ रहे हैं। लोग का डिमांड है कि जहाँ से मूर्ति निकली है वहीं मंदिर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं प्रशासन का क्या निर्देश आता है, उसके बाद फिर हम लोग इस पर आगे, सब गाँव के लोग इस पर मिलजुल कर इस पर कोई काम करेंगे। किस जगह से ये मिली है? ये रतवारा पोखर से मिला जी। पोखर कैसी थी? पूरा प्राचीन थी? वो प्राचीन पोखर ही है जहाँ, मतलब कि शमशान घाट है, उसके बगल में पोखर थी। छठ का भी पूजा वहाँ पर होता है, छठ घाट का भी है। तो अब लोगों का तरह तरह का बात है, प्रशासन के जो निर्णय होगा उसके बाद हम लोग आगे अपना निर्णय लेंगे। कितनी गहराई पड़ी ये लगभग समझिए 13-14 फीट गड्ढा जब हुआ है तब जाकर मूर्ति निकली। क्या परिचय होगा? मुकेश कुमार शर्मा, पूर्व मुखिया सुस्ता पंचायत। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने बताया कि देर शाम तक खुदाई चल रही थी जिस दौरान मूर्ति निकली है, जिसके बाद लोगों ने काफ़ी पूजा पाठ किया। उनका मानना है कि यह सूर्य देव का मूर्ति है जिसको लेकर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और DM से को भी जानकारी दे दी गई है और उनका मानना है कि इस मूर्ति को म्यूजियम में रख दिया जाएगा। काफ़ी प्राचीन मूर्ति है बताया जा रहा है। तो इसी तरीके खबर के साथ बने रहना, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।